हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं एमपीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम बिहार हैं उनके बारे में। कौन सा पश्चिम बिहार कहां पर है, उसका स्थापना वर्ष कितना है और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है पश्चिम बिहार, यह है नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर है? तो ये जनपद उन्नाव में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर? जनपद उन्नाव में है। इसके स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 2.25 वर्ग किलोमीटर है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, स्थापना 1984 में हुई, क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। अगला है समस्तीपुर पश्चिम बिहार, यह कहाँ पर पड़ता है? यह रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, तो यह कहाँ पर है? लाख बहोसी पश्चिम बिहार ये पड़ता है आपको कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। इसका जो क्षेत्रफल है यह है 80.23 वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार ये कहाँ पर पड़ता है? ये एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1990 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.11 वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका विजय सागर पश्चिम बिहार, ये विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। इसका भी स्थापना 1990 ही है और इसका क्षेत्रफल 2.6 वर्ग किलोमीटर है। अगला है पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, ये पार्वती आरंग पश्चिम बिहार जनपद गोंडा में पड़ता है। इसका स्थापना भी 1990 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.85 वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका समान पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार जो है ये जनपद मैनपुरी में पड़ता है। कहाँ पर? जनपद मैनपुरी में पड़ता है और इसके स्थापना कब हुई थी? 1990 में भी इसकी स्थापना हुई। 5.2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है आपका ओरखा पश्चिम बिहार, ये पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी स्थापना 1990 में भी हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार जो है ये पड़ता है आपका संत कबीर नगर में, जनपद संत कबीर नगर में है। इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है इसका। नेक्स्ट है सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार ये पड़ता है आपका जनपद हरदोई में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर पड़ता है? जनपद हरदोई में पड़ता है। इसकी भी स्थापना कब हुई? 1990 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सूर सरोवर पश्चिम बिहार, ये जनपद आगरा में पड़ता है। यह 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 4.1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है आपका सुराहाताल पश्चिम बिहार, ये जनपद बलिया में पड़ता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 34.13 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है जनपद प्रतापगढ़ में और इसका जो स्थापना वर्ष है ये सबसे निवेश है उत्तर प्रदेश का। ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल 4.2 किलोमीटर है। ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम बिहार